हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। है आपको एचयूएल क्लासरूम प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा 12th का ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम चल रहा है और 12th में हम इस टाइम चल रहे हैं पहले चैप्टर पर, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। हमने अब तक कवर किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, हमने टाइम्स पढ़े अलग अलग एनिमल्स में, उसमें भी फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के अंदर, उसमें वैरायटी पढ़ी हमने नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ओवरऑल हमने पूरा का पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कर लिया है। तो आज बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने की। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस और ये किस तरह यूनिक और स्पेशल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। चैप्टर का फर्स्ट हाफ पोर्शन कवर हो चुका है, बस ये समझ लीजिए सेकेंड हाफ पोर्शन शुरू हो रहा है और लगभग 2 या 3 दिन के अंदर ये चैप्टर कवर हो जाएगा। इसमें 2-3 या 4-3 लेक्चर मैक्सिमम लगेंगे कवर होने के लिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने में हमने कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, उन पॉइंट्स को अपने माइंड में कंसिडर करना है। और जब भी हम इस रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो पहले हमें अपने माइंड में ये चीजें ध्यान रखनी है कि असेक्सुअल में हमने क्या क्या पढ़ा था और उसी को कंपेयर करते हुए हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यहाँ पर कोई भी दो चीजें लाइफ में अगर आपको आती हैं टॉपिक वाइज तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, हमेशा याद रखें, जब तक आप उन टॉपिक को कंपैरेटिव पढ़ोगे, आप कंपेयर करके पढ़िए। तो चलिए हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स बनाते हैं और फीचर बताते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात, बाइपैरेंटल रिप्रोडक्शन। हम ये यूनिवर्सली नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मोस्टली ये बाइपैरेंटल मोड होता है। इसमें दो ऑर्गेनिज्म अपोजिट सेक्स के इन्वॉल्व होते हैं, यूजली बाइपैरेंटल रिप्रोडक्शन, पहली बात। दूसरी फीचर, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यही इसकी पहचान है और इसी तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और उनका फ्यूजन भी होता है, याद रखिएगा यही सबसे डिफाइनिंग फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और हम फीचर जो है वो सब सेकेंडरी फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहां ये दो इवेंट होते हैं, नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड नंबर 2 फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्लियर आपको? तो ये है हमारा सबसे डिफाइनिंग फीचर, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। अब यहां कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं दोनों प्रोसेस के लिए, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इन दोनों के लिए हम दो टर्म्स यूज करते हैं, उन टर्म्स को भी हम यहीं के यहीं बताते हैं। गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एंड सिंगेम, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड सिंगेमी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इन व्हिच गैमेटोजेनेसिस एंड सिंगेमी इन्वॉल्व। ये दो प्रोसेस यहां पर मस्ट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे कुछ फीचर्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, हम यहां पर मेंशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा याद रखिएगा, अगर गैमेट बनेंगे तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए स्पेशल डिवीजन रिप्रोडक्शन का चलता है मियोसिस, यहां मियोसिस इन्वॉल्व होता है। अगर हम असेक्सुअल की बात करें वहां पर सिर्फ माइटोटिक डिवीजन इन्वॉल्व है, यहां माइटोसिस भी चलेगा मियोसिस भी होगा, दोनों डिवीजन यहां इन्वॉल्व, ठीक है। बोथ माइटोसिस एंड मि
मियोसिस आर इन्वॉल्व्ड। इस रिप्रोडक्शन में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन है ना वो है ना मियोसिस। ये यूनिक, माइटोसिस तो दोनों जगह मिलता है लेकिन मियोसिस यूनिक है सिर्फ और सिर्फ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और भी कुछ फीचर्स हैं इसके, आपको बताया मियोसिस एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, क्योंकि 11th क्लासेस में हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि मियोसिस की जब प्रोफेज 1 चल रही होती है तो उसमें 5 सब स्टेजेस चलती हैं, उस पे हम लैप्रोटीन, जायगोटीन, फेटाइटीन, डिप्लोटीन, डायटाइनिस ये 5 सब स्टेजेस पढ़ते हैं। और इसमें क्रोमोसोम के बिहेवियर के बिहाफ पर हमने इनको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है, प्रोफेज 1 को, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट। अब इसमें जो लैप्रोटीन, जायगोटीन और ये तीसरी सब स्टेज आती है जिसका नाम है पैकाइटीन, उसमें एक बच्चों प्रोसेस आता है, याद आ रहा होगा आपको शायद, वो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर। और बेटा यही वो प्रोसेस है जो क्या करता है, जीन्स की शफलिंग कर देता है, जीन्स के कॉम्बिनेशंस को बदल देता है और इसी से बनते हैं जीन्स के नए कॉम्बिनेशन, दैट इज इट क्रिएट्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और आप जानते हैं हमारी बॉडी में जितने भी फीचर्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो हमारे जीन्स की वजह से हैं, और अगर गैमेट्स में जीन्स के कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे तो बाहर डिस्प्ले होने वाले फीचर्स भी बदल जाएंगे। क्योंकि माइटोसिस में जीन्स के कॉम्बिनेशन नहीं बदलते, एज इट इज जीन की कॉपी अगली जनरेशन में पास हो जाती है, इसलिए जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन पेरेंट्स में था वही फिनोटिपिक एक्सप्रेशन प्रोजेनी में आता है, ठीक है। इसलिए प्रोजेनी और पेरेंट्स एक दूसरे की कार्बन कॉपी होते हैं, क्लोन्स होते हैं, बट यहां ऐसा नहीं होगा। यहां क्या होगा, यहां मियोसिस की वजह से पेरेंट्स के जो जेनेटिक कॉम्बिनेशंस थे वो बदल जाएंगे, और जब वो नए कॉम्बिनेशंस के साथ प्रोजेनी में मिलेंगे तो उनमें कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे, और इन्हीं नए कैरेक्टर्स के आने को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। तो बेटा मियोसिस की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आता है, प्रोजेनी में वेरिएशंस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो क्या क्रिएट करता है, जेनेटिक वेरिएशंस। It brings genetic variations. It brings genetic variations. Genetic variations का मैंने पूरा कारण बता दिया आपको। अच्छा, variations की importance क्या है? इसको भी समझते हैं। हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल होने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए और अपने ऑर्गेनिज्म, अपने एनवायरनमेंट के लिए फिट होने के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फीचर होता है, उसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी या बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी। तो ये एडेप्टेशंस मतलब अपने आप को चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए क्या करना, फिट बनाना, फ्लेक्सिबल करना, इस चीज को हम बोलते हैं एडेप्टेशंस। और ये एडेप्टेशंस क्या है, नए कैरेक्टर्स का आना यानी वेरिएशंस का आना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को सुटेबल रखना चाहता है, फ्लेक्सिबल करना चाहता है, तो क्या जरूरी है, कॉन्स्टेंटली उसके अंदर नए कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और नए कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, अभी हमने पढ़ा नए कैरेक्टर्स जो आते हैं, जो वेरिएशन इंट्रोड्यूस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होते हैं। इसीलिए हमें इसकी एक और इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनती है वो ज्यादा फिट होती है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस होने की वजह से उसके अंदर ज्यादा एडेप्टेबिलिटी होती है, वो चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ज्यादा सुटेबल या ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक वेरिएशंस आने की वजह से एडेप्टेबिलिटी आती है। वेरिएशंस और न्यू कैरेक्टर्स मेक द प्रोजेनी
नाइट्रोजन बेटर सूटेड फॉर चेंज एनवायरमेंटल conditions, change environmental conditions, और इसी के फीचर जो variations की वजह से आती है वो ये हम जानते हैं अर्थ के ऊपर regular changes होने के बाद generation after generation वो change इतने grand level पर आ जाते हैं कि नई species की evolution हो जाती है। नई species के बनने को ही तो evolution बोलते हैं। यहाँ कहते हैं कि नई species या पुरानी existing species change होते 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 gradual changes के बाद एक इतना बड़ा change आ जाता है कि वो species previous species से बिल्कुल अलग हो जाती है और एक नई species form होती है। इसे बोलते हैं speciation। and speciation is a product of किस process का product है speciation? Evolution। तो ये evolution किसकी वजह से हो रहा है? Variations की वजह से। और वेरिएशंस किसकी वजह से आ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। इसलिए हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल in the process of evolution। तो बच्चों ये थे कुछ important features जो हमने sexual reproduction के पढ़े। अब हम इन features के अलावा कुछ और important चीज़ हैं जो sexual reproduction की हमें पढ़नी है। सबसे पहले अपनी कमांड आप बनाइए इन पॉइंट्स के ऊपर। जब भी आपके दिमाग पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तो ये चीजें आपके माइंड पर फॉरन ट्रिगर होनी चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अच्छा अब आप देखिए इतने सारे इंपॉर्टेंस पढ़े, आपको किस रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेटेज मालूम हो रहा है, आपको लगता है कि ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रिप्रोडक्शन है? तो जब आप दोनों को कंपेयर करोगे सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो आपको कुछ प्रॉक्स एंड कॉन्स दोनों जगह मिलेंगे। लेकिन जब आप ओवरऑल कंपेयर करोगे दोनों तरह के रिप्रोडक्शन को, तो आप ये देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स ज्यादा, और इसके ज्यादा बेनिफिट्स होने की वजह से अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या डिफरेंसेस मेजर हैं दोनों के अंदर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पॉजिटिव फीचर ये है कि ये क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी अगर हमें प्रोजेनी को बहुत जल्दी तैयार करना है, बहुत जल्दी प्रोजेनी डेवलप करनी है, तो एक सिंपल और क्विक प्रोसेस की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर यही मैं कंपेयर करूं इसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन इधर देखिए आपको एक वैल्यू पता लग रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि ये प्रोसेस ज्यादा कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, प्लस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस कराई जा सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके अपोजिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लेंथी प्रोसेस है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती जैसे कि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स एडवर्स जब एनवायरमेंटल कंडीशंस आती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में? डिस्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, इसके कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद क्यों ज्यादातर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं, इसको ज्यादा वरीयता क्यों दी जाती है? आंसर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो प्रोजेनी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होगी वो चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस और उससे डेवलप होने वाली स्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए ज्यादा बेटर एडेप्टेड बेटर सूटेड होगी। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेटर मोड है रिप्रोडक्शन का और ज्यादा ऑर्गेनिज्म उसको प्रिफरेंस देते हैं, ठीक है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ फीचर्स हमने पढ़े, अभी मैं आपको बताता हूं
एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बेसिक एग्जांपल से कंपेयर करके, और ये मैं बहुत कॉमन एग्जांपल बताऊंगा जो एनसीईआरटी का नहीं है, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग जो बायोलॉजी हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं उससे मैं आपको कुछ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताऊंगा। फिर मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और भी कुछ बताना है, फिलहाल इसको नोट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी कंपेयर करा है असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे हम एक सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, क्या डिफरेंसेस होना है दोनों के अंदर। मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री है आपके आसपास और आपने क्या करना है, मैंगो प्रोजेनी डेवलप करानी है, मैंगो प्लांट्स की प्रोजेनी डेवलप करानी है। तो दो तरीके इसमें है बेटा। एक तरीका आपने क्या किया, इसकी कोई कटिंग ली, सुटेबल एनवायरनमेंट और वेदर कंडीशन में उसको आपने सॉइल में इम्प्लांट कर दिया, इसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई। कुछ ही दिनों के अंदर एक नई प्रोजेनी डेवलप हुई, आपने देखिए इसमें क्या किया और इसमें आपका क्या खर्च हुआ है। आपने देखिए सिर्फ आपने इस प्लांट की कटिंग ली, आपने कोई शर्त नहीं रखी इस प्लांट की, प्लांट इस किस एज पर है, कितना स्पैन इसको हुआ है, कोई सीजन का आपने शर्त नहीं रखी है, कुछ कंडीशन नहीं, सिर्फ आपने कटिंग ली, कटिंग को ग्रो कराया, नया प्लांट बना, एक प्रोजेनी तो ये नहीं आ रही, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, ये एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन। अब दूसरा तरीका देखिए क्या होगा, मैं पहले इसे वेट करूंगा कि पहले ये प्लांट अपनी उस लाइफ पर आ जाए जहां ये सेक्सुअल मैच्योर हो जाए, यानी जहां से इस पे सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए। अगर आप जानते हैं जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी मार्क होती है मार्क बाय फ्लावरिंग। जब फर्स्ट टाइम उन पे फ्लावरिंग आती है समझ जाते हैं दिस प्लांट क्या हो चुका है, हैज बीन मैच्योर, ठीक है। तो ये प्लांट अब मैच्योर हो चुका है और अब यहां से इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट होती है। तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की मार्किंग सेक्सुअल लाइफ की कहां से होती है, फ्लावरिंग से होती है। तो पहले तो मुझे इसकी उस एज का इंतजार करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 5 years, 10 years, 6 years, 7 years, 8 years, 10 years, जितना भी हो सकता है, पहले तो वो वेट किया। अब फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग होने के बाद अभी हम उससे फ्रूट नहीं ले सकते, अब उसे पॉलिनेशन का हमें वेट करना है, वो पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन होने के बाद सारे फ्रूट सारे फ्लावर शर्त नहीं है ये कि एश्योर्ड तरीके से सारे फ्लावर पर ही क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, उनमें से कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। तो जिनमें पॉलिनेशन होगा उनके फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, तो कुछ दिनों के बाद फ्रूट बनेंगे और फ्रूट की ग्रोथ में भी टाइम लगता है, फ्रूट की ग्रोथ में भी टाइम लगता है, फ्रूट में टाइम लगेगा। फ्रूट ग्रो होने में जो टाइम लेगा फिर ये ग्रो होंगे, राइप होंगे, राइप होने के बाद ये सेंसेंस के थ्रू नीचे गिरेंगे, जब ये राइप हो जाएंगे फिर इनके अंदर जो सीड है वो यहाँ पर सीड सुटेबल कंडीशन का वेट करेगा, ग्रो करेगा और उससे नया प्लांट डेवलप होगा। आपने देखा कितनी झंझट और कितना कॉम्प्लिकेशन है इस तरह। ये जो तरीका है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लांट्स के, यानी फ्लावर्स सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन हमारा कहलाएगा सेक्सुअल। और वो रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट के सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है वो रिप्रोडक्शन हमारा कहलाएगा असेक्सुअल। अब दोनों में क्या फायदा और क्या नुकसान नजर आ रहा है, अब देखिए अगर हम एक्सटर्नली देखें तो हमें ये ज़्यादा अच्छा नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि टाइम कंज्यूम नहीं हुआ इसमें, तो बहुत फास्ट तरीका है नए प्रोजेनी बनाने का, और जितनी कटिंग्स आप लगाओगे सक्सेस रेट हो सकता है वो 100 कटिंग्स भी सक्सेस हो सकती है, जितनी ज्यादा चाहे आप प्रोजेनी डेवलप करा सकते हैं। तो इसके दो इंपॉर्टेंस हमें नजर आ रहे हैं, पहला इंपॉर्टेंस क्या नजर आ रहा है, पहला इंपॉर्टेंस टाइम सेविंग प्रोसेस और दूसरा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। इधर हम बात करें ये बहुत
कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से ही कैसा है, लेंथी प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस, ठीक है। और दूसरी बात, प्रोजेनी का नंबर कम है उसके कंपेयर, क्योंकि एश्योर्ड प्रोजेनी प्रोडक्शन नहीं हो सकता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिकॉज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ चांस फैक्टर, ये एक तरह का चांस प्रोसेस होता है, हो भी सकता है नहीं, अगर पॉलिनेशन होगा तो फ्रूट बनेंगे, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेंगे। आपने देखा होगा मैंगो के ऊपर फ्लावरिंग का टाइम कब आता है, कॉमन सी भाषा है, हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, टाइम चल रहा है इसके मैंगो के फ्लावरिंग का, इससे हम बोलते हैं मोल आना या बोल आना, अलग अलग लैंग्वेज जगह पर अलग अलग नामों से बोलते हैं, आता है ना, फैब के लास्ट में और मार्च के शुरू में फ्लावरिंग हो जाती है उसके बाद, तो मैंगो के ट्री पे जो मोल आता है, जो बोल आता है, वही तो होता है उसमें फ्लावरिंग का टाइम। और वहां आपने देखा होगा कि मई तक, अप्रैल मई तक जब फ्रूट्स तैयार हो जाते हैं, आम भी अलग अलग नाम से आपने सुना होगा, जाना होगा, तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारा मोल ऐसा होता है जो फ्रूट बन ही नहीं पाया, तो जब विंड चलती है, हवाएं चलती है, आंधियां चलती है, वो झड़ के नीचे गिर जाते हैं, तो वो फ्रूट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुए वो फ्लावर्स, याद रखिएगा वो फ्लावर्स हैं जिनमें पॉलिनेशन नहीं हो पाया है, वो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अच्छा, जो फ्रूट नहीं बनेंगे तो फिर सीड नहीं बनेंगे, और सीड नहीं बनेंगे तो अगली जनरेशन तैयार नहीं होगी। तो इस तरीके से ये कंपेयर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम आता है तो अब हमें तीन चीजें पढ़नी जरूरी हो जाती हैं कि लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी किसी ऑर्गेनिज्म में कब आती है, क्या वो सिंस बर्थ कैपेबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के, या उसमें कुछ टाइम के बाद सेक्सुअल कैपेबिलिटी मेंटेन होती है, डेवलप होती है। इस चीज को देखने के लिए हमें एक बार फिर लाइफ स्पैन को उठाना पड़ेगा। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मतलब प्लांट, एनिमल, किसी की भी बात करें, हम किसी के लाइफ स्पैन को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें बिहेवियर और प्रोसेसेस क्या क्या चल रहे हैं, उसके बिहाफ पर हम तीन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के बिहाफ पर पूरे लाइफ स्पैन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पूरे लाइफ स्पैन को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं, नंबर वन जुवेनाइल फेज, नंबर टू रिप्रोडक्टिव फेज या मैच्योरिटी फेज भी बोलते हैं, नंबर थ्री सेनेसेंस या सेनेसेंट फेज, ठीक है। तो ये तीन तरह की फेज लाइफ स्पैन में आती है। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, आप कहोगे सर लाइफ स्पैन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा क्यों आ रहा है, बेटा यहां हम ये बताना चाह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज की कोई पाबंदी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म अपनी किसी भी लाइफ एज पर या लाइफ स्पैन के किसी भी पीरियड पर रिप्रोडक्शन कर सकता है एसेक्सुअली। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम टाइम के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, हम पाबंद हो जाते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर पीरियड में ही चल सकता है। इसीलिए हमने पूरा लाइफ स्पैन पढ़ना है, हम ये देखेंगे कौन सा फेज है जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ तैयारियां चल रही हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी मैच्योरिटी चल रही है, बट अभी उनमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर एक ऐसी फेज आएगी जहां सेक्स ऑर्गन बिल्कुल मैच्योर और डेवलप हो गए हैं, नाउ दीज आर रेडी टू रिप्रोड्यूस और तैयार है बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो यहां से अब दूसरी स्टेज आई है। फिर एक तीसरी फेज आएगी जहां पर ये कैपेबिलिटी डाउन होती चली जाएगी और फाइनली ये उस बंदे की सेनेसेंस की तरफ पहुंचेगा और उस बंदे की डेथ हो जाएगी। तो ये तीन फेजेस हैं, हमें इन तीन फेजेस में ये देखना है ये रिप्रोडक्शन किस किस फेज में हो सकता है, कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है, चलिए तो लाइफ स्पैन के तीन पार्ट देखते हैं, इसलिए देख रहे हैं कि बंदा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में किस पीरियड ऑफ टाइम में सेक्सुअली फिट होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, लाइफ स्पैन कैन बी डिवाइडेड एक्टिविटी ऑफ रिप्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ रिप्रोडक्शन लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। लाइफ स्पैन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के बिहार में पहली लाइफ आती है
juvenile phase. नंबर टू, दूसरी फेज आती है रिप्रोडक्टिव फेज और थर्ड फेज है सेनेसेंस. सेनेसेंट फेज फेज को बोलते हैं. अभी जितने बच्चे बोर्ड की इस वीडियो को देख रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैं आपको फिर बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में डिफाइन करने के लिए आता है. एक नंबर में पूछा जाएगा या तो जुवेनाइल फेज या रिप्रोडक्टिव फेज या सेनेसेंस. ज्यादातर जुवेनाइल और सेनेसेंस को एक एक नंबर में अलग से पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. तो चलिए हम सबसे पहले जुवेनाइल फेज की बात कर लेते हैं. तो सुनिए ध्यान से, सब जुवेनाइल फेज क्या होती है बेटा. ये वो ग्रोथ पीरियड है, वो पीरियड है ऑर्गेनिज्म की लाइफ का जिसमें कोई बंदा क्या करता है, ग्रोथ करता है. क्या करता है और क्या अटेन कर रहा होता है वो उस टाइम पे, सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर रहा होता है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा होता है. सेक्सुअल मैच्योरिटी उस पर डेवलप नहीं, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी वो गेन नहीं कर पाता, उसकी तैयारियां चल रही होती है. फिर वो डेवलपमेंट चल रहा है सेक्स ऑर्गन का, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है. उसकी जब एक ग्रोथ, एक सैचुरेट लेवल पे जब उसकी ग्रोथ पहुंच जाती है, फिनिश लेवल पे, और यहां से अब बॉडी को रियलाइज होने लगता है कि अब ये बंदा ग्रोथ हो चुकी है, अब ये बंदा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, बस यहीं से मार्किंग शुरू होती है अगले फेज की. और वो फेज जहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, वो फेज कहलाएगी रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ में चलती रहेगी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी और लाइफ स्पैन और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के खिलाफ पर सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है. और फिर एक टाइम ऐसा आता है लाइफ के जो एंड स्टेज चलती है उसमें ऑर्गेनिज्म की जितनी भी, सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं, जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो ड्रामेटिकली क्या होती जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है. और फाइनली वो इतनी डिक्रीज हो जाती है कि बंदा फिजियोलॉजिकली बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है. फाइनली उसको ये स्टेज टर्मिनेट होती है उसकी डेथ के साथ. तो ये जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का टर्मिनल इररिवर्सिबल फेज. इररिवर्सिबल क्यों कह रहे हैं, एक बार फिजियोलॉजी एक्टिविटी अगर लॉस हुई फिर दोबारा वो गेन नहीं होगी. तो इररिवर्सिबल टर्मिनल फेज ऑफ लाइफ विच फाइनली लीड्स टू डेथ. डेथ के साथ फेज खत्म होती है. उस अंतिम चरण को जो लास्ट स्टेप है उसे हम कहेंगे सेनेसेंस. तो यहां पर तीन फेजेस को हमने एक्सप्लेन किया है अलग अलग करके, तीनों में लिखते हैं. सबसे पहले जुवेनाइल की बात करते हैं. इट इज सिर्फ इतना लिखना है. एक बात और मेंशन कर लिए, एक नंबर में कई बार रोड में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लांट्स में जुवेनाइल फेज को एक और नाम दिया जाता है वेजिटेटिव फेज. जब तक प्लांट्स में ग्रोथ चल रही होती है, जुवेनाइल फेज चल रही होती है, उसको हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स में हमने क्या कर रहा होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया बोर्ड में, क्या पूछा जाता है कि प्लांट्स में जुवेनाइल फेज को और क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज. लिखते हैं इस बात को भी. In plants, this phase is also known as vegetative phase. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फेज की जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज.
रिप्रोडक्टिव फीस। इट इज द फीस ऑफ लाइफ where an organism starts sexual reproduction। अब कैसे पता लगेगा कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली फिट हो चुका है, यानी इसकी मैच्योरेशन फेज आ चुकी है या रिप्रोडक्टिव फेज आ चुकी है? तो उसमें एनसीईआरटी दो गाइडलाइन बता रही है हर ऑर्गेनिज्म के, तो यहाँ पर नहीं मेंशन की जा सकती, लेकिन जो मेजर ग्रुप्स हैं, एक स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स और एक ह्यूमन बींग्स में, दो अलग अलग तरीके हैं इनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ को मार्क करने के। चलिए बताते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन एंजियोस्पर्म्स। Reproductive phase beginning, reproductive phase beginning is marked by इसके थ्रू flowering, यानी जब कोई flowering plant first time flowering अपीयर करता है, उस टाइम से हम मार्क करते हैं कि यहां पर सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट हो गई। अब हम ह्यूमन की बात करते हैं, इन ह्यूमन बींग्स दिस फेज इज मार्क्ड बाय प्यूबर्टी, मार्क्ड बाय प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हम चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां अपने डिटेल से पढ़ेंगे ह्यूमन में जहां से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी अटेन होती है या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर अपीयर होते हैं, उस लाइफ की उस एज को, उस पीरियड को प्यूबर्टी कहा जाता है। तो ये है रिप्रोडक्टिव फेज, और लास्ट में हम आते हैं सेमी सेंस पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी फेज की, थर्ड फेज है सेमी सेंस। It is the terminal irreversible phase of life which finally leads to death. It is the terminal irreversible phase of life. Which finally leads to ये है सेनेसेंस। सेनेसेंस के दौरान जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो ड्रामेटिकली और ड्रास्टिकली डिक्रीज होती है, फाइनली वो बिल्कुल वीक होता चला जाता है, फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो ये है लाइफ की 3 फेजेस। अब हमें समझ में आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टाइम लिमिट या कोई टाइम रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड होता है, ऑर्गेनिज्म सिर्फ उसी पीरियड के दौरान ही रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअलिटी का क्या मतलब है और ये सेक्सुअलिटी कब डेवलप और कैसे डेवलप होता है। तो चलिए देखते हैं सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, फिर हम देखेंगे सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स।
देखिए जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो प्लांट्स में सेक्सुअलिटी हम दो टाइप से मेंशन करते हैं। एक क्लासिफिकेशन C1, क्लासिफिकेशन नंबर 1 हेटरोथैलिक, नंबर 2 होमोथैलस या हेटरोथैलस और होमोथैलस भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ये लोअर प्लांट्स के लिए पहला क्लासिफिकेशन। हेटरोथैलिक कौन से प्लांट्स होंगे? जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट प्लांट बॉडी पर डेवलप होगा, दैट इज मेल एंड फीमेल थैलस की प्लूरल टर्म है थैलाइड। मेल एंड फीमेल थैलाइड का सेपरेशन। होमोथैलिक दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस। इसमें हम ज्यादातर जो लोअर प्लांट्स हैं वो होमोथैलिक होते हैं। हेटरोथैलिक में हमारा एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है मार्केंशियम, जो कि एक ब्रायोफाइट है। उसमें मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है। इसमें हम एग्जांपल नीचे कर सकते हैं। बाकी अगर होमोथैलस की बात करें तो इसमें आप रेसिया और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में ब्रायोफाइट्स और भी ब्रायोफाइट्स हैं, स्टैग्नम हैं, वो सारे के सारे और मॉसेस हैं, वो सब होमोथैलिक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, मोनोइशियस। मोनोइशियस ये हम इसको और बोलते हैं बाई सेक्शुअल, मोनोइशियस या बाई सेक्शुअल, या इसी को बोला जाता है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट एक दूसरी वैरायटी होती है डायोशियस। और बोल सकते हैं यूनिसेक्शुअल, डायोशियस या यूनिसेक्शुअल। ठीक है, अच्छा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं। जब तक टर्म्स पूछी गई बाइसेक्शुअल यूनिसेक्शुअल, यहां पर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जनरली हमेशा ये नोटिस किया जाता है कि बच्चे इन दो टर्म्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं। उन्हें जब भी बताया जाए मोनोइशियस तो वो मोनोइशियस में वो टर्म सीक्वेंस और सेंस कुछ और लगाते हैं, मोनो मतलब सिंगल, तो उन्हें लगता है कि शायद ये तो यूनिसेक्सुअल होना चाहिए और उधर डाया मींस डाई मींस टू और तो ये बाइसेक्सुअल होना चाहिए, तो ये कुछ गलत कॉन्सेप्ट है। हालांकि जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है बिल्कुल सही है, गलत हमारे दिमाग में है, उस गलत जो दिमाग में हमारे है उसे हमें सही करना है। चलो आज मैं आपको ये कहता हूँ मास्टर की दे रहा हूँ, लाइफ में आप में कभी इस कंफ्यूजन पर नहीं रहेंगे अगर ये आप ये कॉन्सेप्ट देते हैं। देखिए बायोलॉजी में कंफ्यूजन दूर करने के दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है लॉजिक और मीनिंग्स, उसके मीनिंग में चले जाओ वर्ड के, मीनिंग आपको सब एक्चुअल रेफरेंस दे देगा। अगर मीनिंग ही नहीं समझ पा रहा तो दूसरा तरीका होता है ट्रिक्स, आप ट्रिक के थ्रू याद कर लो। मैं इसके दोनों चीजें आपको दूंगा, आपको मैं यहाँ पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाऊंगा डिफरेंस, फिर एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं, यहाँ पर हमें इन दो टर्म में कंफ्यूजन है मोनोइशियस एंड डायोशियस। तो चलिए पहले इन दोनों टर्म्स को ही क्लियर कर लेते हैं। मोनो मीन्स सिंगल,
मोनो मींस सिंगल वन एंड ईशियस ईशियस मींस ओरिजिन। अब बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा प्लांट जिसमें दोनों सेक्सेस का ओरिजिन यानी मेल भी और फीमेल भी दोनों सेक्सेस का ओरिजिन सेम सिंगल यानी उसी प्लांट पर मेल सेक्स ऑर्गन और उसी प्लांट पर फीमेल सेक्स ऑर्गन तो दोनों सेक्सेस का ओरिजिन अगर एक है तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे मोनोएशियस। तो बताइए जब एक ही प्लांट के ऊपर दोनों सेक्सेस होंगे तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा बाइसेक्सुअल। क्लियर। अब बात करते हैं डायोशियस। बेसिकली ये डाई नहीं ये डाया है डाया या डायो डायो का मतलब होता है डिफरेंट डायो मींस डिफरेंट तो दिस डायो मींस डिफरेंट। एंड ईशियस मींस ओरिजिन। तो हमें पता लगा डिफरेंट ओरिजिन यानी दोनों सेक्सेस मेल एंड फीमेल सेक्सेस दोनों का ओरिजिन सेपरेटेड है मेल अलग थैलस पर है प्लांट पर है फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग है मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन आर सेपरेटेड अगर अलग अलग है तो ये डायोशियस कंडीशन है और इसे हम क्या बोलते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। ये तो रहा कॉन्सेप्ट। अब जरा ट्रिक की बात आ जाती है ट्रिक समझ लीजिए ट्रिक क्या है पर ट्रिक के साथ हम आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं ट्रिक समझ लीजिएगा। पहली चीज एम एम स्टैंड फॉर मोनोइशियस का एम एम स्टैंड फॉर मोनोइशियस एंड एम स्टैंड फॉर मैरिज। आप मुझे बताइए मैरिज में जो वैरायटी कपल्स हैं वो साथ साथ रहते हैं अलग रहते हैं साथ रहते हैं तो अगर दोनों सेक्स ऑर्गन साथ साथ हैं मोनोइशियस मैरिज से आ गए राइट। डी डी स्टैंड फॉर डायोइशियस एंड डी स्टैंड फॉर डिवोर्स। जो डिवोर्सी कपल्स है डिवोर्स जिनमें हो जाता है वो कपल साथ होते हैं अलग हो जाते हैं अलग हो जाते हैं सेपरेटेड होते हैं तो यहां से याद रखिएगा डी स्टैंड फॉर डायवोर्स डी स्टैंड फॉर डायोशियस यानी कि बोथ द सेक्सेस आर सेपरेट। तो इस चीज से आप याद कर सकते हैं ये ट्रिक है। इस ट्रिक के बेसिस पर होपफुली उम्मीद करेंगे कि आप लाइफ में इन डिफरेंसेस को नहीं भूलेंगे। इस चैप्टर को कल कंटिन्यू रखेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर रखें।